जी जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? होपफुली आप तो खैरियत से होंगे। कल एक सवाल पूछा था ग्रुप के अंदर, या एक क्वेश्चन था, या एक पॉइंट एम्फेसाइज करने की कोशिश की गई थी कि व्हाई क्लाइंट नीड योर सर्विस, कि क्लाइंट को आपकी सर्विस की क्यों नीड है, और उसमें काफ़ी अच्छी फीडबैक आई थी। वो थोड़ा सा अपडेट करते हैं और कुछ और पॉइंट्स को जो है ना मैं एम्फेसाइज करूँगा ताकि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। राइट, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू और फिर हम उस पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, सवाल जो पॉइंट वहाँ पे पूछा गया था, व्हाई क्लाइंट नीड योर सर्विस, कि क्लाइंट को आपकी सर्विस की क्यों नीड है। अब पहले जरा आप लोगों की जो फीडबैक आई है उसको जरा डिस्कस करते हैं, फिर मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है ना और एम्फेसाइज करूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। जीम ने कहा कि बिकॉज आई विल बिकम हिज नीड। अच्छा, इससे पहले इस पोस्ट का मकसद क्या था वो थोड़ा सा अपडेट कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ दिस पोस्ट इज टू हेल्प यू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम यू सॉल्व विद योर सर्विस। इफ यू अंडरस्टैंड इट, इट विल हेल्प यू क्राफ्ट योर ऑफर बेटर एंड हेल्प यू सर्व योर क्लाइंट बेस्ट, विच मीन्स मोर डॉलर। इफ आई एम डूइंग अ काउंटर क्वेश्चन, इट इज समटाइम्स टू हेल्प यू गो मोर डीपली अबाउट योर सर्विस और समटाइम्स टू गेट मोर इंसाइट्स फ्रॉम यू सो दैट अदर ग्रुप मेंबर्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। मकसद ये था कि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लाइंट की, या किस तरह बेहतर सॉल्व आउट कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ काउंटर क्वेश्चन, सारी चीज़ें लोगों से यहाँ पे डिस्कस की थी ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। सो ज़रा वन बाय वन चलते हैं और वो काफ़ी आपको वहाँ पर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अजीम ने कहा बिकॉज आई विल बिकम हिज नीड, ठीक है। फिर उसे मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, आर यू श्योर द क्लाइंट नीड्स योर सर्विस सो दैट यू कैन बिकम हिज नीड। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाय कम्युनिकेशन सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड एजुकेटिंग हिम, ठीक है। और व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व फॉर योर क्लाइंट, ठीक है। अगेन, अच्छा, इस तरह नकवी ने यहाँ पे अपडेट किया है, टू गेट देयर सोल्यूशन विच दे वांट, ठीक है। व्हाट सोल्यूशन योर सर्विस सॉल्व डिजिटल मार्केटिंग। पॉइंट ये है कि अगर आप इसको रीड आउट करेंगे काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी, और मैं कुछ जनरल जो है ना यहाँ पे चीज़ों को अपडेट करूँगा। वसीम ने अपडेट किया बिकॉज दे विल इंजॉय सतरंगी फार्मूला। इरफान ने बिकॉज दे वॉन्ट बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट, ठीक है जी। उमेर ने कहा क्लाइंट वॉन्ट्स देयर बिजनेस टू ग्रो, इफ़ आई हेल्प हिम टू ग्रो हिज बिजनेस थ्रू एनी ऑफ माई सर्विस ही विल बाय माई सर्विस, ठीक है। अगर वो खुद कर सकता तो क्यों आता। अफशाद ने कहा ठीक है जी। तला ने कहा फॉर सेलिंग, ये तला क्या ज़रा समझिएगा, फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेट आई डू SEO। तला करता है SEO, राइट, लेकिन क्लाइंट को क्या नीड है, उसको प्रोडक्ट और सर्विस को सेल आउट करना, ठीक है। गुड, टू हेल्प अदर ग्रुप मेंबर लेट डिस्कस अ बिट मोर। फिर तो हमने डिस्कशन की और मैंने से सवाल पूछा, आर यू सॉल्विंग देयर SEO प्रॉब्लम और सेल्स प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट। आई डू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, माई प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू रैंक माई देम एज सून एज पॉसिबल, सर्च इंजन के थ्रू रैंक करना। इवन थो आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम माई पॉकेट बिकॉज विद माई 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट companies/employees loves people who can help them in making money or scaling their business. So once they start seeing the results, ठीक है। अब results क्या है, यहाँ पे important point है जो तला को पता है कि results क्या है। clients को अपनी products या service को sell out करवाना है। अगर SEO करवा रहे हैं, rank आप कर लेते हैं, लेकिन उन keywords पे नहीं rank कर पाते जो कि buyers keywords हैं या जहाँ से clients को lead या sale generate हो सकती है, तो client को SEO करवाने का फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, सो वंस दे स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, दैट्स व्हेन आई मेक मनी एंड रिटेन देम फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि क्लाइंट वन टाइम आ गया और आपने पैसे एक दफा सर्विस दी ले लिए, इट इज़ अबाउट कि आप क्लाइंट को क्या रिटेन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर आप ये काम इफेक्टिवली कर लेंगे तो फिर आपको हमेशा क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपको ये नहीं होगा कि जनाब इतने अरसा हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा, या मैंने हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर कर दिए फिर भी आप ऑर्डर्स के पीछे भाग रहे हैं कि यार ऑर्डर ही नहीं आ रहे, ऑर्डर ही नहीं आ रहे।
सो जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ प्लानिंग के साथ जाते हैं वर्किंग करते हैं तो फिर आपका हेल्प आउट होता है कि समझ आती है कि आप क्लाइंट को कैसे रिटेन रख सकते हैं, ठीक है। और अगेन नॉट ओनली दिस, इवन तो दे रेफर मी टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिजनेस एज वेल, ठीक है। ना सिर्फ वो रिटेन रहते हैं बल्कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और दूसरे सर्कल में भी अपडेट करते हैं। दैट्स द वे टू गो, कीप इट अप। द वंस यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। और सारी चीज़ें फिर सास की बात। सो अगेन काफ़ी चीज़ें में आप देखेंगे काफ़ी डिस्कशन, बिकॉज अवर पोर्टफोलियो एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा ठीक है जी। जो ख्वाजा कह रहे हैं टू गिव दे ब्रांड अ न्यू फ्रेशिंग फ्रेश फ्रेशिंग लुक, आई डू ब्रांड बिल्ड ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग। यहाँ पे वॉट प्रॉब्लम योर ब्रांडिंग सर्विस सॉल्व फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है। मेनली इट गिव्स देयर प्रोडक्ट अ न्यू अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लुक विच एट द एंड हेल्प देम इन मार्केटिंग, ठीक है। वॉट काइंड ऑफ हेल्प इट विल ब्रिंग देम इन मार्केटिंग, ठीक है। मोर एक्सपोजर मोर गुड, ठीक है। इससे अगर आप जाते हैं कि गुड रिकग्निशन, मोर एक्सपोजर गुड रिकग्निशन का मतलब है कि सेल्स होने के या उनकी जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसको सेल प्रमोट करने में ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसी तरह दिस इज हाउ सेलिंग बाइंग वर्क्स, यासिर कहते हैं ओके जी ठीक है। हमजा आरिफ कह रहे हैं टू गेट थिंग्स डन विच लैंड हिम सम बक्स टू लिव, वन ऑफ माई क्लाइंट्स नीड्स 163 लेआउट्स सर्विस एक बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी सदफ का ये भी एक अच्छी कन्वर्सेशन है जो आपका हेल्प आउट करेगी। टू गाइड एंड एजुकेट द रीडर्स आई राइट द कॉन्टेंट, ओके। What benefit it will bring to your clients? आपके client को क्या benefit होगा? It will educate their readers and they will have a regular massive visitors over their sites, which will benefit them and ultimately they will have a good trust over my services and a long-term working relationship. Okay. फिर मैंने उसे कहा कि जी जो सदब ने point कहा कि they will have a regular and massive visitors over their sites, which will benefit them and ultimately What benefit they will have? ठीक है कि कस्टमर को क्लाइंट को आपके जो क्लाइंट उसको क्या बेनिफिट होगा? They will earn from ads and affiliate networks. Okay. They will generate more sales. So basically, client ये चाह रहा है कि वो रेवेन्यू या इनकम जनरेट कर सके, सेल जनरेट कर सके. ठीक है यप. The more your content helps your clients get sales, the more he will pay you and keep using your services. ठीक है. So ये चीज अगेन यहाँ पे मरियम से जो बात हुई कि मरियम प्रोवाइड करती हैं स्पेसिफिक सर्विसेज के जी इलस्ट्रेटर और पोर्ट्रेट्स की। फिर मैंने मरियम से पूछा कि ये सर्विस क्यों नीड है क्लाइंट को, तो उन्होंने कहा कि मेंटल सेटिस्फेक्शन इन आर्ट्स केसेस बिकॉज क्लाइंट्स ऑलवेज वांट टू हैव सम आर्ट फॉर होम गिफ्ट, सम गिफ्ट किसी को गिफ्ट देना, इन लार्ज स्केल्स कंपनीज वॉन्ट्स इलस्ट्रेशन टू फर्दर सेल इट इन द फ्यूचर। अब आप देख रहे हैं कि इस सारी डिस्कशंस के अंदर क्या हो रहा है कि हम डीप डाउन जाते जा रहे हैं कि क्लाइंट्स की एक्चुअल नीड्स क्या है। मरियम के अगर केस की हम बात करें कि क्लाइंट को मेंटल सेटिस्फेक्शन एक तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहा है या वो किसी को गिफ्ट देना चाह रहा है, और लार्ज स्केल्स कंपनीज क्यों यूज करती हैं, क्योंकि अपने फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए या अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट या इंस्पायर रखने के लिए। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स को मरियम रेफर कर रही हैं। अब अगर मरियम चाहती हैं कि मैं हाई पेड क्लाइंट्स की तरफ जाऊं, तो ये वो कौन से क्लाइंट्स होंगे? ये वो क्लाइंट्स होंगे जो लार्ज कंपनी या कॉर्पोरेट्स हैं जिनको ये सर्विसेज की नीड हो सकती है। और फिर जब मरियम का समझ आएगी यार इनके मिशन को मैंने किस तरह रिप्रेजेंट करना है उस डिज़ाइन में उस इलस्ट्रेटर में, वो एक अलग जोन चला जाता है, ठीक है। इसी तरह गिफ्ट के लिए अगर किसी को करना है तो गिफ्ट के अंदर वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं, और अगेन बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैं कुछ की पॉइंट्स पे करना चाहता हूँ। फिर हंसा तारिक ने कहा कि सेम क्वेश्चन, व्हाई दे डिमांड अवर सर्विसेज व्हेन दे आर नॉट विलिंग टू पे अस गुड, ठीक है। लगता है इनको क्लाइंट्स कम पे कर रहे हैं। अच्छा जी मजर ने कहा बिकॉज दे नीड टू गेट देयर वेबसाइट डेवलपमेंट एंड फिक्स डन बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। अगेन इसको जब ट्रिकल डाउन करेंगे तो हम एक्चुअल प्रॉब्लम तक जाएंगे जो मैं भी आपको आगे डिस्कस करूँगा। मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ यहाँ पर डिस्कस करें। अच्छा और दे वॉन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर आउटसोर्स सर्विसेज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन देयर कोर कम्पिटेंसी टू एक्सप्लेन देयर बिजनेस एंड ऑल्सो जनरेट लीड्स बिकॉज वी मेक एक्सप्लेनर वीडियोज फॉर देम, ओके गुड। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर देयर ऑनलाइन प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ SEO, ठीक है जी। टू रन देयर बिजनेस एंड गेट फूड इन साइड स्टोमच, अच्छा जी। बिकॉज वी विल एड वैल्यू टू देयर बिजनेस आइडियाज सो दे कैन अर्न ऑन, ओके गुड है।
बिकॉज अच्छा प्रपोजल की बात आ गई, ठीक है असद साहब को मेरा सवाल शायद पसंद नहीं आया, फुल इस क्वेश्चन यू शुड स्टडी बिजनेस एंड हाउ टू अर्न लिविंग। ओके जी ठीक है जी। रोशान शेख कह रहे हैं बिकॉज ऑफ कमिटमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म, ओके बिकॉज दे कैन डू इट बाय देम, बिकॉज दे कैन नॉट डू इट बाय देम सेल्फ और फर्दर, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट जो चीज़ है जो सारी डिस्कशन के दौरान आपको कुछ चीज़ें नज़र भी आ गई होंगी, जो मेन इम्फेसाइज था, जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जब आपको ये समझ आएगी कि आपकी सर्विस एक सोल्यूशन है क्लाइंट के प्रॉब्लम का, आपकी सर्विस एक सोल्यूशन है क्लाइंट के प्रॉब्लम का, इसके साथ क्या फिर आपको कनेक्ट करना है, इसके साथ आपको कनेक्ट करना है कि वो क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए वो आपका सोल्यूशन लेना चाहता है, और आपके सोल्यूशन में भी वो आपको प्रेफर कर रहा है बनिस्बत बाकी हजारों लोगों के ऊपर। समझ आ रही है? क्लाइंट प्रॉब्लम, योर सोल्यूशन और योर यूनिक यूएसपी, आपका जो यूनिक पर्सपेक्टिव है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम। अगर लोगों क्लाइंट बनवा रहा है, आप में से अक्सर लोग जब लोगों के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी अपनी थीम लाइन बता दें, अपने बिजनेस का पर्पस बता दें, अपने वेबसाइट का या तो यूआरएल अगर आप मांगते हैं तो इस तरह तीन चार पूछते हैं। कभी आपने ये उससे पूछा कि जनाब आपने इससे पहले कोई लोगो बनाया अपनी कंपनी का, अगर उसकी कंपनी पहले से, या व्हाट वाज योर प्रीवियस लोगो, या व्हाट वाज योर प्रीवियस लोगो कॉन्सेप्ट, या अगर आप यूज कर रहे हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाए, जब आपको ये पता चल जाए यार क्लाइंट ने ऑलरेडी ये फला फला चीजें टेस्ट की हुई है, फला कलर कम्बिनेशन उसको पसंद है, ठीक है, या फला तरह का डिजाइन वो ऑलरेडी प्ले कर चुका है, राइट। और आप उस लोगों को या प्रीवियस लोगों को देख के अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार इसमें कितनी मैं इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकता हूँ, बनिस्बत इसके कि आप नए आइडिया पे जाके मगजमारी करें। अच्छा फिर लोगो, एक लोगो है जो $5 का बिक रहा है, एक लोगो है जो $1,000 का बिक रहा है, $2,000 का बिक रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। जो $2,000 का लोगो बिक रहा है वो इम्फेसाइज कर रहा है क्लाइंट की प्रॉब्लम को, क्लाइंट क्या लोगो से क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना चाहता है लोगो से, राइट। यूनिक पता चले कि यार ये लोगो अच्छा, आप ब्रांड्स डिफरेंट जब लोगों के अंदर आप काम करते हैं और आपने देखे होंगे कोका कोला का लोगो, आपने नाइक का लोगो, आपने एप्पल का लोगो और सब डिफरेंट लोगो देखें, कभी उनकी स्ट्रेटेजी की कि ये लोगों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एप्पल ने क्यों सेब का जो है ना वो लोगो पिक किया, ठीक है, क्यों गूगल ने अपना जी के साथ अल्फाबेट्स के अंदर कलर्स को लेके गया, राइट। फेसबुक आप देख लें सिंपल नेम के साथ है। तो जब आप कोई समझ आएगी कि आपकी सर्विस एक सोल्यूशन है क्लाइंट की प्रॉब्लम के लिए, और जब तक क्लाइंट की प्रॉब्लम को आप समझेंगे नहीं, आप यहाँ पे ग्रुप में बहुत से लोगों के पोस्ट आती है कि सर सर तो नहीं मतलब जनरल जब ग्रुप में बात कर रहे होते हैं श्याम भाई से भी जनरल, कि हमने इतने लोगों को जो है ना ऑर्डर वो क्या कहते हैं अप्लाई किया अपर के ऊपर, बिड्स किए और सारा को आप क्या कहते हैं प्रोजेक्ट सेंड किए, लेकिन हमें अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो क्या आपने वहां पे अगर 50 10 15 क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड किया, आपने उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, या आपने सिर्फ ये देखा कि क्लाइंट ने कहा कि जी मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज कौन बना के दे सकता है, और आपने कहा जी मैं बना के दे सकता हूँ, और मैंने जो है ना सतरंगी फार्मूला भी आपने अप्लाई कर लिया, फिर कहते हैं कि जी चलता नहीं सतरंगी फार्मूला, अक्सर का चलता है और मेजोरिटी का नहीं भी चलता है। सो वहां पे जो मेजर डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है कि क्या आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को दोबारा समझ पाए हैं या नहीं। और अगर आप उस सतरंगी फॉर्मूले की डीप में जाएं तो वहां पे जब आप रिपीटेशन कर रहे हैं बता रहे हैं कि क्लाइंट ने क्या पूछा है, तो बेसिकली वहां पे रिपीटेशन में जो श्याम भाई का कॉन्सेप्ट है वहां पे रिकॉल करने के अंदर, कि आप जो ये रिकॉल करने जा रहे हैं, ठीक है, आप जो ये रिकॉल करने जा रहे हैं उस रिकॉल के अंदर आपने इम्फेसाइज करना है कि क्लाइंट की एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में अगर कोई बंदा जा रहा है तो किस लिए, हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए जा रहा है, हो सकता है उसको कोई बग आ गया उसके लिए जा रहा है। अच्छा एक बहुत की एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा, जब आप समझेंगे ना क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा सा आपको क्लाइंट के बारे में उसकी चीज को रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कुछ और ऐसे लूप होल्स, ऐसे पॉइंटर्स, ऐसी चीजें मिलेंगी
जो आपको नजर आता है कि अगर ये थोड़ी सी चीज इंप्रूव कर क्लाइंट कर ले तो उसको बहुत फायदा होगा, ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी उस क्लाइंट का दिल जीतने के लिए, उससे टिप लेने के लिए, उसको रिटेन रखने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जो है ना वो एक तरीके से आप समझे कि आपने 100% से ज्यादा अपनी इनपुट उस पर दे रहे होंगे। क्या आपने कहा कि यार मैं क्लाइंट के लोगो डिजाइन करने जा रहा हूं और आपने देखा यार क्लाइंट ने जो कलर थीम्स यूज की हुई है दैट नॉट रिप्रेजेंट व्हाट क्लाइंट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग, और आपको क्लाइंट कलर्स की सेंस है बीइंग अ डिजाइनर, और आपने उसको सजेस्ट कर दिया कि जनाब ये जो आपने कलर्स कम्बिनेशन यूज किया है इसके अलावा अगर आप फला ये चीज कलर कम्बिनेशन यूज करें तो आपकी कन्वर्जन या आपके जो है ना ब्रांड के साथ अलाइन करता है और आपके पर्पज के साथ अलाइन करता है। अगर आप डिजाइनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट कलर्स की क्या थीम्स होती हैं, ग्रीन कलर क्यों यूज होता है, ब्लू कलर क्यों यूज होता है, रेड कलर क्यों यूज होता है, ऑरेंज कलर क्यों यूज होता है, राइट। सो आप देखेंगे सारी चीजें आपके लिए आसान है क्रिटिसाइज करना, पॉइंट आउट करना कि यार क्लाइंट ने फला फला जो है ना वो चीजें गलत की हुई हैं, बट मुश्किल है कि क्लाइंट को करेक्ट करना या इसको एडवाइस करना। एंड द पीपल्स हु डू दिस पार्ट के क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इरेस्पेक्टिव वो करे ना करे, लेकिन आप उसको एडवाइस कर देते हैं फॉर हिज बेनिफिट, वहां पे आप विन करते हैं। और वो कैसे होता है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम। अक्सर लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हैं, आपके पास क्लाइंट आएगा उसको वेबसाइट बनानी है, बट उसको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, अब क्या करेंगे आप? तो कहेंगे यार अगर मैं वेबसाइट्स को बना के दूंगा क्लाइंट भाग जाएगा। नहीं भागेगा, ठीक है। अगर आप उसको बता देते हैं कि सर जो बिजनेस मॉडल आप एक कर रहे हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि आपको वेबसाइट की जरूरत है, बट इवन देन अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर फर्दर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और वो फिर पूछेगा क्यों मुझे जरूरत नहीं है, और आप बताओगे कि यार सारा काम तुम्हारा फेसबुक से चल रहा है, सारा काम तुम्हारा फेसबुक के बिजनेस से चल रहा है, ठीक है, सारी लीड्स तुम्हारी वहां से आ रही है, सारी ट्रैफिक वहां से आ रही है, तुम वेबसाइट ई कॉमर्स खोल के क्या करोगे, उसकी कॉस्ट आएगी, उसकी मेंटेनेंस आएगी, सारा कुछ, क्लाइंट तुम्हारा वहां पे लैंड नहीं करता, व्हाट इज द पर्पस? सो अगेन बहुत सी चीजें हैं जब आप डीप जाते हैं, जब प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं और क्लाइंट के रिजल्ट के लिए फोकस करते हैं। प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि क्लाइंट को क्या रिजल्ट चाहिए, जब आप क्लाइंट के रिजल्ट के लिए फोकस करना शुरू कर लेते हैं, क्लाइंट के बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर लेते हैं, तो आप फिर ये नहीं देख रहे होते हैं मैं $5 का लोगो बना रहा हूँ, फिर आप ये देख रहे होते हैं कि यार ये $5 के लोगो के पीछे मैं $50 की एफर्ट लगा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि जब ये चीज जाएगी क्लाइंट के पास भले वो मुझे $5 दे लेकिन मेरी गुडविल बनेगी, रेपुटेशन बनेगी और वो 10-15-20 लोगों में रेफर करेगा। बात समझ रहे हैं? द पीपल एंड द सर्विस प्रोवाइडर जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को जितना इफेक्टिव समझते हैं, डीप समझते हैं, वो उतना बेहतर सोल्यूशन अपना क्रिएट करते हैं। और उस सोल्यूशन जब आप प्रॉब्लम को समझते हैं ना, ठीक है, फिर उस सोल्यूशन के अंदर आप वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस, वो टेक्स्ट, वो चीजों पे एम्फसाइज करते हैं जिसको हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं, कि सेलिंग थ्रू वर्ड्स। और आप लोग जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं वो टेक्स्ट के थ्रू ही कर रहे होते हैं ना, वीडियो नहीं आप शेयर करते, ना ऑडियो शेयर करते हैं, तो आपको वो लफ्ज जो क्लाइंट के जहन के अंदर है कि यार मुझे सेल्स नहीं हो रही, मुझे ट्रैफिक नहीं आ रहा, मेरा लोगो अपीलिंग नहीं है, मेरी वेबसाइट अपीलिंग नहीं है, मेरी वेबसाइट के अंदर बग्स हैं, मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई, उसके फंक्शन सही नहीं वर्क कर रहे, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद क्या होगा, आप उन प्रॉब्लम्स की जो की वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने प्रपोजल के अंदर, अपने मैसेज के अंदर आप बताएंगे, और जैसे ही आप वो बताएंगे एकदम से जो है ना क्लाइंट्स आपसे कनेक्ट होगा, यार ये तो वही बातें कर रहा है, ये वही चीजें बता रहा है जो जो मेरे जहन में फंसी हुई है, इट मीन्स ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम द बेस्ट। अब जब ये चीज जब कनेक्ट हो जाएगा, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेगा कि यार मतलब ये बंदा बाकी लोगों से ज्यादा मेरी प्रॉब्लम को समझता है, फिर वो काम मूव करेगा, फिर मूव करेगा कि क्या वाकई में इसमें वो वैल्यू है, इसके अंदर वो स्किल है जो मुझे ये चीज जो ये कह रहा है ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, और फिर वहां पे आएगा आपका पोर्टफोलियो, फिर वहां पे फर्दर आपकी कम्युनिकेशन आएगी, ठीक है, कि फिर वहां पे डॉट आपने क्या कनेक्ट करना है कि यस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेस्ट, नाउ डू यू हैव द सॉल्यूशन दैट सॉल्व दैट प्रॉब्लम द बेस्ट।
और कुछ केसेस में आपको ये नजर आएगा कि यार जो सोल्यूशन आपके पास है वो क्लाइंट के लिए बेस्ट नहीं है, फिर क्या करें? फिर आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि क्लाइंट को आप बताना चाहिए कि जनाब जो चीज आप चाह रहे हैं, जो सोल्यूशन आप चाह रहे हैं, वो सोल्यूशन मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, या मेरा वो लेवल नहीं है अभी। हाँ, मेरे सर्कल में कुछ लोग हैं, मैं उन तक रेफर कर सकता हूँ, या मैं आपको फलां चीज सजेस्ट कर सकता हूँ। दैट इज द वे टू विन द हार्ट ऑफ योर क्लाइंट। और वो क्या कहेगा, अगर ऑन अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं यार तुम ही इससे करवा दो, या तुम ही इससे करवा दो, और वो फिर बीच में आप कमीशन रख सकते हैं। मतलब डिफरेंट वेज है। सो बिजनेस इज नॉट अबाउट ओनली जनरेटिंग द रेवेन्यू, बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग द क्लाइंट्स एंड कस्टमर द बेस्ट पॉसिबल वे। समझ रहे हैं? सो इस सारी चीज का जो हम पॉइंट हमने एम्फेसाइज किया था और जिसको हम लेके चले थे, क्या था हमारा पॉइंट? वो पॉइंट था कि जनाब के कहाँ चले गए, व्हाई क्लाइंट योर नीड योर सर्विस। अब बात समझ आ गई कि क्लाइंट को आपकी सर्विस की इसलिए नीड है कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, और वो उसके सोल्यूशन के लिए आपकी सर्विस को यूज करना चाहता है। बट एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। इसको टाइप करें ताकि आपको भी रिकॉल रहे हो, जब रिप्ले कोई बंदा देखे तो वो ये देखे यार ये क्या वर्ड इन्होंने यूज किया, सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मतलब इसके एग्जाम्पल ये समझाता हूं कि अगर आप टीवी बाय करते हैं, ठीक है, तो टीवी बाय करने के बाद क्या होता है, ठीक है, होम से करने से ये फायदा होता है। ओके जी, ले लो, आप दरवाजा लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनाब हम जो बात कर रहे थे कि व्हाई क्लाइंट नीड योर सर्विसेज, ठीक है, कि क्लाइंट को आपकी सर्विस की क्यों नीड है, उसका प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना। और सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस की मैं बात कर रहा था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमें समझने की जरूरत है, और जस्ट गिव मी वन, ओके, सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस की हम यहां पे बात करेंगे। सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आपने टीवी बाय किया, पहला स्टेप क्या था, पहला कॉन्सिक्वेंस या पहला इफेक्ट क्या आया कि आपने टीवी बाय कर लिया, आपने पैसे दिए, टीवी लिया, आपने एक वैल्यू एक चीज लेके आ गए। अब सेकेंड ऑर्डर इसका क्या होगा? अब आपने 50,000-60,000 का टीवी लिया, तो आप उस पर बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, टीवी पे ज़्यादातर एंटरटेनमेंट ही के लिए हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, टीवी ड्रामा फिल्में वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं आपके मकसद कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो देखना है वो देखेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि यू आर इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेस्टिंग योर टाइम, और आप इसलिए कर रहे हैं कि यार 50,000 का मैंने टीवी लिया, इसको इस्तेमाल तो करूँ, ठीक है, मैंने अगर ये केबल लगाई है इसको इस्तेमाल तो करूँ, 50 चैनल है, चलो मैं घूमता फिरता ही रहूँ, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे बैठे हैं, फेसबुक अकाउंट आपने बनाया हुआ है, पहला अकाउंट क्या है, अकाउंट बना लिया, लोगों से कनेक्ट हो रहा है। सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या है, फेसबुक मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैंने दिन में 50 पोस्टों को लाइक नहीं किया, 50 पोस्टों के अंदर मैंने कमेंट नहीं किया या लोगों से कम्युनिकेट नहीं किया, क्या फायदा? अब आप सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस में आ रहे हैं कि आप वो काम जस्ट फॉर द सेक कि आपने वो उस इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गए या वो चीज़ आपके पास आ गई, आप वो करने में मजबूर हो रहे होते हैं या करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। समझ रहे हैं? सो इसका मकसद क्या है कि जो क्लाइंट आपको बता रहा है इन सम केसेस दैट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम क्लाइंट हैज। दैट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट क्लाइंट हैव। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार रेफर करूंगा एक रिसोर्स को, यहाँ पे बल्कि कोई टाइप कर दे कमेंट कर दे बल्कि, इसकी है द वर्चुअल समिट का, और यहाँ पे एक इंटरव्यू मैंने किया था उमर के साथ, उमर तराज के साथ, जरूर उसको वॉच करना। अब समझना उमर ने क्या काम किया, उमर ने ये काम किया
कि जब यहाँ पे पता नहीं लिंक गया है आप लोगों के पास, thevirtualsummits.com के हिसाब से, बाद में मैं चलो अपडेट भी कर दूंगा कि एक मिनट चलो यार। हाँ, उमर ने क्या काम किया, उमर क्या करता है, उमर ये कहता है कि जब मेरे पास क्लाइंट आता है, उमर वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बड़े प्रीमियम लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जब मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैं क्लाइंट से क्वेश्चन वगैरह जब पूछता हूँ तो क्लाइंट जो मेरे पास बजट लेके आता है वो कहता है अगर $500 में काम करवाना है तो मैं क्लाइंट को जब क्लोज करता हूँ, मतलब क्लाइंट से डील फाइनल करता हूँ, तो 500 की बजाय क्लाइंट मुझे $2,000, $3,000, $5,000 तक पे करने को तैयार होता है। आया वो $500 का बजट लेके था, लेकिन वो मुझे $5,000 पे क्लोज, मतलब मेरे साथ काम करने पे तैयार हो जाता है ना आराम की बात। कि आया यार वो 500 के ऊपर है, $5,000 पे या $2,000, $3,000 पैसे कैसे चला गया। सोमन ने बड़ी अच्छी वहां पे स्ट्रेटेजी बताई थी, उसने कहा कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ व्हाट इज द एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि उनकी एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, और जब मैं डिस्कशन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर उनको समझ आती है कि वो समझ रहे थे कि उनको अपने प्लगइन में अपने वर्डप्रेस के अंदर फलां काम करवाना है, बट ये काम करवाने के बाद भी फंक्शंस या चीजें अधूरी होंगी। सो बेसिकली उनके बैक एंड पे या बाकी सिस्टम के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर फलां फलां चीजों को भी सही करना जरूरी है अगर क्लाइंट को डिजायर रिजल्ट चाहिए, और वो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके क्लाइंट्स को बताता है, और जब क्लाइंट्स को समझ आती है हाँ यार वाकई में ये प्रॉब्लम्स है, वो दोनों चीजें मैचअप होती हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को समझ आता है कि यार हाँ अब ये वैली पहली चीज क्या हो गई कि आपने आइडेंटिफाई करवा दिया कि यार व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, और फिर क्लाइंट को खुद समझ आती है कि यार हाँ जब मैं लेके आया था मैं तो इस फंक्शन के लिए ये बजट लेके आया था, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि यार मेरी तो प्रॉब्लम ये भी सारा कुछ है, इफ आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मुझे अपने बजट के साथ भी वर्कआउट करना पड़ेगा, और फिर वहां से क्लाइंट जाता है। जरूर पूरे सेशन को वॉच आउट कीजिएगा उमर दराज के साथ, और आपको समझ आएगी कि उमर किस तरह ये चीज को यूज कर रहा है, जब आइडेंटिफाई कर लेता है कि व्हाई क्लाइंट नीड हिज सर्विस, ठीक है ये चीज है। और फिर जब नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे जाते हैं, तो फिर एक और बड़ा एलिमेंट होता है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट क्या होता है, यू फिल्टर आउट हु आर गुड क्लाइंट्स फॉर यू, जो 80-20 का प्रिंसिपल भी है। ठीक है, जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करने जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स कर लेते हैं, तो आपको एक समझ आ जाती है, नजर आ जाता है कि यार इस तरह के नेचर के या इस तरह का जिनका बिजनेस मॉडल है वो क्लाइंट्स जो हैं, ए तरह के जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं, तो ना वो मुझे तंग करते हैं ना परेशान करते हैं, वो जो सिंपल सिंपल बेसिक जनरल जब मैं सवाल पूछता हूँ सारी चीज़ें करता हूँ, बताते हैं, पैसे भी अच्छा देते हैं, वैल्यू भी टाइम की सही करते हैं, और मज़ा आता है। ठीक है, बाकी ये जो बी कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं, ये मगज़ खाते हैं, ये सवालों के जवाब भी सही नहीं दे पाते, ये अपना पॉइंट सही नहीं एम्फेसाइज कर पाते, और ये वैल्यू भी सही नहीं पे करते, पे करने के बाद भी सरदर्दी ज़्यादा क्रिएट करते हैं, राइट। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सिलेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये जो एक कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं मुझे अब इस तरह के क्लाइंट्स का ज़्यादा वर्क अराउंड करना है, और फिर आप अपने टाइम को भी वैल्यू करना शुरू करते हैं, फिर अपनी प्राइसेस को भी इंक्रीज करना शुरू करते हैं, और फिर आप खुद भी सुकून में आना शुरू करते हैं, आप कम क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, बट आपका रेवेन्यू जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने अभी आज 100 के साथ कर रहे हैं तो कल हज़ारों के साथ करेंगे तभी रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज होगा, नहीं, असल में रेवेन्यू कहाँ इंक्रीज होता है, व्हेन यू गेट द गुड क्लाइंट्स हु आर पेइंग यू गुड अमाउंट फॉर योर वैल्यू, और वो आपका सरदर्द भी जो है ना वो कम कर रहे होते हैं, और आपका टाइम भी कम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक, सो अगेन एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, और अब आपको समझ आएगी कि यार वाई क्लाइंट्स नीड योर सर्विस, और अब आपको समझ आएगी कि आप अपनी जो सोल्यूशन है उसको कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, और समझ लेते हैं कि वाई क्लाइंट इज यूजिंग योर सर्विसेज टू अचीव द डिजायर रिजल्ट, और वो डिजायर रिजल्ट डिजायर आउटकम क्या क्लाइंट्स चाह रहा है। क्लाइंट लोगो से सिर्फ लोगो बना के अपनी वॉल पे या अपने ब्रांड पे लगाना नहीं चाहता, उससे कुछ अचीव करना चाहता है। SEO करवा रहा है, इसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट रैंक कर जाए, कुछ अचीव करना चाहता है। वेबसाइट डेवलप करवा रहा है, इसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट बन जाए, कुछ अचीव करना चाहता है, राइट। वॉट एवर द सर्विस यू आर प्रॉब्लम इज हेल्पिंग और शुड हेल्प योर क्लाइंट अचीव द डिजायर एंड रिजल्ट, ठीक है। अगर आप एंड रिजल्ट तक आपकी सर्विसेज डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में उसको हेल्प आउट कर देती है तो वो क्लोज भी होगा, वो अच्छी प्राइस भी पे करेगा,
वो रिटेन भी रहेगा और आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। सो आई होप काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, जो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया था। तो जिनको और सवाल आ रहे थे कि वाई क्लाइंट नीड योर सर्विस, और जो मस्ती कर रहे थे मस्ती करें, जिस तरह मर्जी करें, इट्स अप टू यू। आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन वगैरह कोई चीज़ें हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ सवाल मेरे पास आए थे, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, अभी फिलहाल मेरा मकसद है इस पॉइंट को करना। ठीक है जनाब, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।